मध्य प्रदेश के कुशीनगर में मिड डे मील का खाना खाने से 30 बच्चे बीमार हो गए। आनन फानन में बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम जियावन मौर्य ने खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम गठित कर पूरे प्रकरण की जांच शुरू करवा दी है। जांच टीम ने खाद्य नमूनों और उसमें प्रयुक्त सामग्रियों का संग्रह करते हुए उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। विद्यालय में जो मिड डे मील खाद्य पदार्थ बनता है, बच्चों को जो परोसा जाता है, उसमें आज तहरी का निर्माण हुआ था। तहरी का मैंने जांच किया, उसका जो है जांच हेतु प्रयोगशाला से नमूना भी संग्रहित किया गया है जो भेजा जा रहा है लाइव झांसी के जांच हेतु। और कल भी मेरे संज्ञान में आया है कि कल बच्चे यहाँ पर दाल पिट्ठी या पिट्ठा, दाल पिट्ठा बोला जाता है खाद्य पदार्थ, उसका सेवन किए थे। उसके कारण जो है कुछ बच्चों को मतलब पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत हुई थी, बीमार हुए थे, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। वो जो उसमें दाल पिट्ठी में प्रयुक्त खाद्य पदार्थ जो है दाल और उसके बाद तेल, सरसों का तेल और जो उसमें मसाले और उसका आटा जो उसमें प्रयुक्त हुआ है, उसका भी हम लोग सैंपल लेकर जांचित खाद्य प्रयोगशाला भेज रहे हैं। सदस्यीय कमेटी जिला विशेष अधिकारी महोदय बनाए हैं तो उन्होंने कहा मौके पर जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है और कल जो घटना हुई है विद्यालय में इसके संबंध में विशेष रूप से किस कारण से हुई है इसका पता लगाने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील है मैटर और हमने शौचालय का सारा फोटोग्राफ्स भी लिया है। गंदगी है उसमें, एक शौचालय साफ सुथरा केवल है, बाकी तो जर्जर अवस्था में है और उधर दरवाजा भी नहीं लगा। दिव्यांग शौचालय भी बहुत दयनीय स्थिति में है तो इसको सुधार करने के लिए प्रधानाध्यापक को भी निर्देशित किए हैं। सर जी, हम खाना खाए तो उसके ठीक आधे घंटे के बाद सर पेट दर्द करने लगा और सर उंगलेस आया। कितने बच्चे आपके साथ बीमार थे? तभी हमारे क्लास में तो वो 3 थे हमारे क्लास में से। अच्छा, खाना किस चीज पे बनाया जा रहा था? टायर पर। आप खुद देखे थे? जी सर। तो चूल्हा है, लकड़ी है, फिर टायर पे क्यों बनाया जा रहा था? सर ये हम नहीं जानते हैं कि हम देखे, सिर्फ टायर पे बनाया जाता है।